जो आपके फोबियाज़ होते हैं, जो आपके फ़ियर्स होते हैं, वो चाहे स्टेज फियर है, वो चाहे आपका क्या नाम पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, वो चाहे आपका लोगों से बात करने का फियर है, चाहे एग्ज़ाम फियर है, वो सारी वो झूठी कहानियाँ हैं जो आपके माइंड को आपने सुनाई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अगर वो झूठी कहानी सुना सकते हैं तो उसको बदल कौन सकता है? खुद। ठीक है, तो वही झूठी कहानियाँ जो है उसको हमने जब बदलना है तो वो हम उसको उस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारी NLP में जो ख़ास तौर पे जो एक है ना, इवन बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। योर कभी इस तरह होता है ना, इंसान डाउन फील कर रहा हूँ, मेरे नंबर बुरे आए हैं, तो क्या करते हैं? अच्छा, मैं अगर आपसे अभी फरियाल कहती है कि जी सर, या आपने अभी इतना कहा सर मैं नहीं पढ़ रही, ठीक है, फरियाल जब ये कहना मैं नहीं पढ़ सकती या मुझसे नहीं हो रहा, तो आपने इनको कहना है कि ओहो आखिर बड़ी जाती है, ये समझ में तो नहीं पड़ा जाता, कहना है आपने इनको डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। वो कह चुकी हैं। नहीं, वो पहले अलग बात थी, एक अभी एक अलग बात है, अब हम इसको एक और तरीके से कहलवा रहे हैं। मैं आज आप कहती हूँ कि नहीं, इस एज में वाकई पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो नहीं हो सकता ना, और आप तो कर ही नहीं सकते। कहो ना, दो चार डायलॉग बोलो ना, सिर्फ से ज़्यादा वो वाकई में नहीं होती, हो जाएगी यार, आप बोलो ना। मैं हूँ ना उसके लिए, यहाँ बैठा हूँ मैं उस मसले का हल निकालने के लिए, यहाँ बैठा हूँ ना, बोलो। इस एज में आके करना बहुत मुश्किल है, आपका गैप भी इतना ज़्यादा आ गया है, तो आपको आदत भी ख़त्म हो गई है, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज स्टेबल विद ऑल दैट, तो इसलिए इस वक्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही ना मैं। अच्छा, आप ये नोट करो, अभी आपको पता है कि हम लोग ये रोल प्ले कर रहे हैं, डिड यू नोटिस हर शोल्डर्स ड्रूपिंग डाउन? सर ऑलरेडी डाउन है, बट द मिनट शी सेड दैट, आपको पता है वो मजाक कर रही है इस वक्त आपसे, बट योर शोल्डर स्टार्टेड गोइंग डाउन। रियली? आई नेवर नोटिस्ड इट। मैं यही तो नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा, याद है मैंने उस दिन क्या कहा था आप लोगों को, ऑब्जर्वेशन इज द की। ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। आपकी नॉडिंग जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई। अच्छा, अब आपने यही बात, अच्छा आपकी अब इंटरनल फीलिंग क्या चल रही थी मेरी जब वो पूछ रही थी? नथिंग, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, इंटरनली बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे पता था। अच्छा, पूछ रही तो ये आपका ख्याल है ना, लेकिन आपकी बॉडी ये शो नहीं कर रही ना ख्याल। अच्छा, मैं भी ठीक है ना, आपके देखो अभी भी इस वक्त आप बैठे हो, आपके शोल्डर्स अंडर को ड्रूप्ड है। सर वैसे ही डाउन नहीं, डाउन नहीं है, डाउन इज डिफरेंट देन ड्रूप। सही। अब मैं आपको यही कहूँ कि यही बात अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ठीक है आप क्या हो गया यार, मैंने आपको भी अपनी अम्मी की एग्जांपल दी, जी बिल्कुल ठीक है, हाउ डिड यू फील व्हेन आई गिव दैट एग्जांपल? मोटिवेट हुई हूँ मैं, मोटिवेशन हुई है मुझे कि मतलब अगर इस उम्र में ये खातून इस तरह से कर सकती हैं तो हम भी वही काम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है हमारे लिए, भी हम भी कर सकते हैं। होता क्या है हमारे यहाँ पर, जब कोई बंदा कहता है यार मुझसे ये नहीं हो रहा, हम उसे कहते हैं अच्छा यार तुमसे नहीं हो रहा, शोल्डर ड्रूप होना शुरू होता है, तुमसे नहीं होना, ओह दूसरा आते वो सॉरी बेटा का नाम है, कोमल आएगी कहेगी ओह हो ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ यार जुल्म हो रहा है। अब द मिनट यू स्टार्ट ड्रूपिंग योर शोल्डर्स, योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल आपको पता है इज अ हार्मोन ऑफ डिफीट, हार्मोन ऑफ स्ट्रेस, हार्मोन ऑफ आई कांट, ठीक है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, इस चीज़ का हार्मोन है वो। सो अब ऑल यू नीड टू डू इज़, कोमल ने कहा जी मेरी हाउस जॉब नहीं हो रही, ठीक है, आसफा के पास आई है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आसफा ने कहा यार क्या हो गया, चला फिल्म देखते हैं, हो जाएगी हाउस जॉब ना, ठीक है, अपलिफ्ट योर सेल्फ, ओनली बाई डूइंग दैट यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द हार्मोन ऑफ विक्ट्री, हार्मोन ऑफ सक्सेस, हार्मोन ऑफ यस आई कैन, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, फॉरगेट अबाउट कि वो इस चीज़ के क्लाइंट्स हैं, बॉडी लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं या कोई और चीज़ सीखने आ रहे हैं, मैं तो जेनरिक क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ के क्लाइंट हों वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूँ अपने शोल्डर्स ऊपर करो। ओनली बाई चेंजिंग योर फिजियोलॉजी यू कैन चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। एक ब्रॉड फीट करते हो ना आप, लाइक अगर आप कोई बात आ जाती है सही से कंट्रोल। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइए कि आज हम लोग इकट्ठे जो हुए हैं इंशाल्लाह, इसमें हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के जहन में क्या ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों के क्या फियर्स हैं या क्या एप्रीहेंशंस हैं जिनको आप काम करना चाहते हो, तो आई विल प्लान द सेशन बेस्ड ऑन दोज। सर मेरा तो यही फियर है कि मतलब अब जैसे मैं वैसे बोल लेती हूँ, लेकिन आप मुझे एक कहें कि जी अब एग्ज़ाम है, उसमें आपका वाइवा है या एग्ज़ाम देना, उसमें मैं पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं टोटल ब्लैंक हो गई हूँ। ओके, बल्कि ब्लैंक होना तो और चीज़ है, मुझे सब कुछ भूल जाता है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं। ओके, और ये है एग्ज़ाम सिनेरियो में, एग्ज़ाम्स में ही है। हाउ अबाउट पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग में मुझे ये है कि लोगों से काफ़ी इंटेलेक्चुअल रही हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ। स्टेज पे कभी गई है? स्टेज पे उस हिसाब से नहीं गई हूँ, मैं एक बार गई थी बस, मुझे वो सर्टिफिकेट मिला था उसके लिए, रिसीविंग के लिए गई थी। पहले तो बहुत घबरा रही थी लेकिन खैर चली गई थी। चली गई थी, ओके। तो आपका फरियाल, आप तो खैर स्टेज की मास्टर हो। कोमल भी स्टेज पे जाती है, डिबेट्स करती हो? कंपेयरिंग भी की है आपने, आप करते हो? यस yes. कभी स्टेज पे गए हो? जी। क्या करते हो? कंपेयरिंग की है। ग्रेट, माशाल्लाह। इसका मतलब हमारे पास 3 जो है वो ट्रेंड है एक ही नहीं, कोई मसला नहीं है, हम एक कॉमन तीनों से ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहला ट्रायल किसका करें? मेरा। आ जाओ, ये चीज किस मामले में बोलना, जिस मर्जी चीज़ पे। तकरीबन आपने 30 सेकंड्स to 1 मिनट बोलना है, जिस मर्जी चीज़ें बोलो, इधर आके बोलना है। स्टेज ये क्या करें और वही तो मसला है, टॉपिक भी खुद सेलेक्ट करना है, यही तो खास बात है। ऐसे करो, मैं टॉपिक आपको सेलेक्ट कर देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करा दो। चलो, सबसे मुश्किल टॉपिक है दुनिया का, अभी देखते हैं ना, अभी पता चलेगा ना कितना टॉपिक मुश्किल है। मेरे नज़दीक ये सबसे आसान टॉपिक है दुनिया का। बिल्कुल आसान है। चलो जी, अब आपने ऐसे नहीं आना। अच्छा, आप इधर आओ साइड पर। मैं ये तारे हैं थोड़ी सी, इसको ना हटाने लगा था मैं, इसलिए मैं पहले इनको हटा देता हूँ ताकि आपको भी डिस्टर्ब ना करें, इसमें तो रख लेते हैं। बस छोड़ रहे, तेरी मेहरबानी भाई, बार बार हिल जाता है। अच्छा, आपने स्टेज पे एंटर होना है, ठीक है? ये आपका स्टेज है, यहाँ तक आपने आना है मैक्सिमम, ठीक है, ताकि ये तारों की तरफ ना जाओ आप। जी जी। और आपने स्टेज पे एंटर होके आपने ऑडियंस को वेलकम करना है और उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है? तो चलें जी। Well, I welcome you all to be here. Now I'm going to talk about myself. My name is Mohammad Atif Kazi and my father's name is Mohammad Kasim Kazi. I have 2 sisters and 1 brother and I belong from Peshawar. My education is MSC IT. I indeed love my education. I am 30 years of age and I'm here for lectures from sir for my body language and different matters. Good. And I am literally enjoying myself here. Great, good, challenge, thank you. अच्छा जी, नेक्स्ट कौन आएगा जी? एक्सपीरियंस स्पीकर्स। हाँ, कोमल भाग रही है, कोमल भागने की नहीं आ रखी है, दिल तो आने की रखी है। आ जा बेटा, आपने भी सेम कोमल। और बाय द वे, लैंग्वेज इज नो बैरियर, आप इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, फारसी, सराइकी, जो मर्जी जिसमें बोलो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इट इज़ नॉट अबाउट लैंग्वेज। इधर से आपने आना है एट द काउंट ऑफ 3, 1, 2, रेडी है? बराबर 3, आ जाओ। Assalamualaikum. I welcome you all here. My name is Komal Kazi. I have done MBBS from Sambar Medical and Dental College. I am now waiting for my house job, and I belong to Swabi, and we are here in Lahore for past 3 years. And now I am here for lecture about public speaking and body language. I just want to improve my body language and personality growth, because I want my patients to get a positive vibes from me. So that's why I'm trying to do a course from sir, only because I want my patients to be well and treated well by me. Thank you. Great. अभी इसमें ना एक छोटा सा इस वक्त इशू आ रहा है, और वो इशू है इसके साथ भी था, आपके साथ भी था, वो आप लोगों ने जो कि सब मास्क पहन के कर रहे हो, तो आई कैन नॉट रीड योर फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है? आपके अब देखिए, मैं आपको भी बता देता हूँ कि इस वक्त कोमल आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आपको ठीक है, आपका सांस भी आप स्टेज पे जब जाती हो कंपेयरिंग करती हो कैसे कर लेती हो? ऐसी ऐसी जाती हो? नहीं सर, वो तुम प्रैक्टिस करके जाते हो, पता होता अपना कॉलेज। चलो देखते हैं, आज 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 वो प्रैक्टिस होती ना, फिर वो फाइनल रिहर्सल और रिहर्सल होते रहते हैं। लेकिन ये कि मज़ा आपको पता है, मैं आपको अपने राज की बात बताऊँ, मैंने आज तक कोई सेशन कोई ट्रेनिंग प्रिपेयर करके नहीं किया। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ? विदाउट प्रिपरेशन ही चीज़ अच्छी होती है, प्रिपेयर करके नहीं। मैं ऑडियंस की बेस पे अपने सेशंस चेंज करता हूँ। अगर मेरा ऑडियंस, मेरा एक सेशन अटेंड किया, बैतुल फलाह की ट्रेनिंग थी मेरी, तो एक बंदे ने एक सेशन अटेंड किया, उसके बाद कोई 2 महीने बाद दोबारा सेशन में फिर आके बैठ गया, तो मुझे कहता है कि मैंने तुम दोबारा क्यों आ गए हो? कहता सर वो जो मेरा बॉस था ना, वो उनका मूड, उनकी नॉमिनेशन थी, उनका मूड नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पूछा कौन जाना चाहेगा, मैंने पूछा किसकी ट्रेनिंग में, क्या अली सर की, नहीं सर मैं मुझे भेज दें दोबारा, वो आ गया दोबारा। अच्छा जब ट्रेनिंग खत्म हुआ, सेशन लंच ब्रेक हुई, तो मुझे कहता सर एक बात पूछूँ आपसे, मैं जी सर वो टॉपिक एक है, सेशन का स्टार्ट एक है, लेकिन वो सेशन और इस सेशन में अभी तक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, पॉइंट्स आपके वही हैं। मैंने उसका पता मुझे एक सवाल का जवाब दिया जी, क्योंकि जो ऑडियंस आपके साथ सेशन में थी वो ऑडियंस किस किस्म की थी? सर वो बड़ी ले बैक ऑडियंस थी, बात नहीं करती थी, ठीक है, जवाब नहीं दे रहे थे। और मैं कहा ये ऑडियंस कैसी है? सर ये तो जुगते लगा रहे हैं आपको, तो बहुत ही खुली ऑडियंस थी। मैंने कहा फिर अगर मैं इस ऑडियंस के साथ वो टेक्निक लगाता जो मैंने उस ऑडियंस के साथ लगाई थी, जिसको मैंने बुलवाना था, जिसको मैंने कहना था खुलो, तो ये मुझे बैकफायर नहीं करनी थी? इन्होंने तो फिर इतना खुल जाना था कि फिर यही ट्रेनिंग करा रहे होते। इस ऑडियंस को मुझे रोकना है एक लिमिट तक, उस ऑडियंस को मुझे खींचना था एक और लिमिट तक। सो बेस्ड ऑन माय ऑडियंस आई नीड टू डेवलप दैट एबिलिटी कि आपने बेस्ड ऑन, और वो कब हो सकता है? जब आपका अपना ब्रेथ डीप होता है। चैलेंज आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैयाल काजी आप सबका यहाँ खुशामदीद करती हूँ। और जहाँ तक तारुफ़ की बात है, तो मैं आज अपनी तालीम के बारे में या मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, बहन भाइयों के बारे में नहीं बताऊँगी। मेरा तारुफ़ ये है कि मैं कुदरत से बहुत ही मोहब्बत करने वाली लड़की हूँ। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स या जिसको कहते हैं सबसे अच्छे दोस्त, मैंने इंसानों में नहीं बल्कि दरख्तों में, परिंदों में, सूरज चाँद और तारों में पाए हैं। उसके अलावा मुझे मुसवरी का शौक़ है, शायरी का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, पोइट्री हो गई, प्रोज़ हो गई। तो अगर तारुफ़ की बात की जाए तो मेरी तारुफ़ मेरी तालीम में नहीं बल्कि ये मेरी शख्सियत है, और यही मेरा तारुफ़ है। ग्रेट, गुड जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ट्राई। ये ट्राई मेरा मंत्रा ट्राई नहीं है। ये क्या लिखा है यहाँ पर? स्टॉप ट्राइंग, स्टार्ट डूइंग। ठीक है, ठीक हो गया। चैलेंज 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको यहाँ पे खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम आसफ़ा रुमेल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रही हूँ कनेक्ट कॉलेज से। मैं यहाँ पे सर की वर्कशॉप लेने आई हूँ जो कि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और मैं उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाऊँगी। थैंक यू सो मच। नाउ एक्सीलेंट जॉब, ये सब ने बहुत अच्छा किया। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग खुद एनालाइज करके मुझे बताओ इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी कंपेयर टू हु? कंपेयर टू हिमसेल्फ। ओके, नहीं अब आप यहाँ पर इस वक्त आप बहन भाई नहीं हो, इस वक्त यहाँ पर आप पार्टिसिपेंट्स हो, यू डोंट नो हिम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप बताओ इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? ठीक थी, ठीक थी।